ये रिश्ता क्या कहलाता है। टाइम कितना कम बचा है हमारे पास। हाँ सच में, अलका जी के गाने सुनते सुनते वक्त का पता ही नहीं चला बिल्कुल। सही कहा आपने, सचमुच बहुत मजा है। देखिए हम सब जानते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत ही कम बचा है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी सब शुरू करना पड़ेगा। ओके हाँ हाँ ठीक है, पर बताओ कि आगे का क्या प्लान है। अब खेलेंगे हम हमारा रिश्ता गेम। जो जो पर्ची में नाम आएंगे ना, जो जो जोड़ियां बनेंगी, सबको साथ में डांस करना पड़ेगा। और कोई बहाना नहीं चलेगा, जिसे जो डांस पार्टनर मिलेगा उसे उसी के साथ डांस करना है। हम सबको कीर्ति और नक्श की कसम। सुहासिनी जी, आपको हमारी बात याद है ना, तैयारी की है ना आपने? जी करना होगा आपको सुहासिनी जी। रेडी? टाइम कम है इसलिए दो दो पार्टनर साथ में आके डांस करेंगे। ओके ओके। मैं आपको डांस करने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो भी कीजिए सब कुछ संभाल के कीजिए। अरे संभालने की जरूरत ही नहीं है, एक्सरसाइज थेरेपी मेडिसिन सब कुछ तो कर लिया है, बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं, आई कैन डांस। मनीष जी तब भी तो ध्यान तो आप ही को रखना पड़ेगा ना। मैं तो ख्याल रख लूंगा अपना, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना, ये साड़ी और ये हाई हील्स में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैं अपना ध्यान रख लूंगी, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अगर मैं नहीं करूंगा तो चिंता कौन करेगा? लिसन, आज कुछ ऐसा होने वाला है स्टेज पे जो न तुमने न किसी और ने सोचा होगा, नेवर बिफोर। कुछ कमाल होने वाला है, सरप्राइज है। पर क्या? जस्ट वेट एंड वॉच, हैव विशंस, वेट एंड वॉच। तुम इतनी एक्साइटेड क्यों? मैं देख रहा हूँ जब से गेम अनाउंस हुआ है तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो। हाँ हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, आई एम श्योर तुम मन ही मन में यही प्रे कर रही हो ना कि हम दोनों की पर्ची सेम हो। बिल्कुल भी नहीं। पर क्यों? क्योंकि पूरी लाइफ तो आप ही मेरे पार्टनर हैं और आगे भी आप ही रहेंगे, पर कम से कम डांस में तो किसी और के साथ चांस मिलना चाहिए ना। ऐसी क्यों यार? ऐसी ही हो। प्रैक्टिस करने दो। हम दोनों का सॉन्ग सेम है ना? पता नहीं। अरे पता नहीं, पता नहीं का क्या मतलब होता है? कुछ तो करो, कोई तिकड़म, हम दोनों साथ में डांस करेंगे ना। अरे अभी किया तो था। हाँ पर फिर भी। नो फिर भी बिल्कुल, जो चटनी होगा ना वही होगा। अरे भदोगे? फाइन ठीक है, तो मैं और मेरा जो भी डांस पार्टनर होगा हम दोनों का परफॉर्मेंस बेस्ट होगा, बेस्ट। ठीक, मैं प्रोग्राम स्टार्ट करूँ? तुम डांस नहीं करोगे? हाँ जब मेरा नंबर आएगा मैं चला जाऊंगा, आप बस मुझे गेम समझा दो। अच्छा जी, तुम ना ये चिट पे लिखे हुए नंबर अनाउंस कर देना, और जिन लोगों का भी सॉन्ग वो लोग स्टेज पे आ जाएंगे, सॉन्ग भी मैंने यहाँ लिख दिया नंबर्स के साथ, ओके वो हम प्ले करते हैं। ओके ओके। अच्छा तो नंबर के साथ नाम भी अनाउंस करना है ना? नहीं नहीं नहीं, उससे सरप्राइज खत्म हो जाएगा, लास्ट मिनट तक किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि उसका डांस पार्टनर कौन। डन। चल ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक। सो ऑलरेडी ऑल सेट? जैसे कि आप लोगों को मालूम है रूल्स के बारे में, और आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि टाइम कम बाकी है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नंबर 9, नंबर 3 एंड नंबर 12। खिड़की ते बैठ के शर्माए, बरंडे उठ के दिख माहिया।
अभी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। वाओ, क्या कॉम्बिनेशन है इस बार के। आई नो, कुछ अलग ही लग रहे हैं सब लोग। कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस। ये क्या बात हुई नन्नू, दामाद जी के साथ नाचते हुए हम अच्छे लगेंगे क्या? एक काम करो ना, हमें किसी और के साथ रख दो, है ना? अरे माँ जी, अरे तो क्या हुआ सुहासिनी जी, वो भी तो आपके बेटे जैसा है, जैसे कार्तिक वैसे लल्ला। हाँ वो तो ठीक है। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं। दादी देखिए, कोई बहाना नहीं चलेगा, कार्तिक ने कसम दी है ना मेरी और कीर्ति जी की सबको, तो बस हम सबको डांस करना होगा। अरे दादू चलेगा ना, प्लीज प्लीज डांस कीजिए। कीर्ति थारे को तो कोई एतराज ना है ना हमारे साथ नाचने में? बिल्कुल नहीं बुआ दादी, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। गो कीर्ति। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, ओ गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। दादी वो दरअसल ये लाइन तो गाने में थी। खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। वाओ कितना मजा आ रहा है ना। यही तो रिश्तों की ब्यूटी है कार्तिक, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं गया, ना ही गुस्सा और ना ही नाराजगी, बस भगवान करे सब कुछ ऐसे ही परफेक्ट रहे हमेशा। और अब आ रहे हैं नंबर एक और नंबर फाइव, राउंड ऑफ अप्लॉज। चिट मुझे मिल गई थी कार्तिक, मुझे तो फिर भी बहुत मौके मिले, पर स्वर्णा को तो एक भी पल ऐसा नसीब नहीं हुआ जिसमें उसके अंदर की मां को तसल्ली मिले। आई होप आज उसकी तड़प कुछ कम होगी।
तो कसम दी थी ना मेरी और नक्श की सबको। अभी अभी तो तुमने कहा था ना कि तुम्हारी वजह से फंक्शन खराब हो गया, अभी तक तो नहीं हुआ पर अगर तुम कुछ ऐसा करोगे तो बिल्कुल खराब हो जाएगा कार्तिक।